राजस्थान में गहलोत सरकार के भविष्य को लेकर किंतु परंतु है, लेकिन अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे अपराधी बेलगाम हो गए हैं। जयपुर में एसिड अटैक की घटना से हड़कंप मच गया, दो लड़कियों पर एसिड अटैक की घटना हुई है। अलवर में नाबालिग से गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है, आरोपियों ने लड़की से रुपए भी ठगे हैं। तो दो लड़कियों पर जहां एक तरफ एसिड अटैक, वहीं गहलोत राज में अब सवाल उठने लग गया है कि वहां पर अपराध क्या बेलगाम है, क्या वहां पर अभी मुख्यमंत्री कौन बने। इस जद्दोजहद में इतने नेता व्यस्त हैं कि आम लोगों की वहां सुध लेने के लिए कोई नहीं है, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। गहलोत अपनी सरकार बचाने में जुटे हैं, लेकिन बेटियों को कौन बचाएगा, कानून व्यवस्था कौन बचाएगा। जयपुर में दिन दहाड़े एसिड अटैक की दो घटनाएं हुई, कोचिंग जा रही छात्राओं को निशाना बनाया गया। इस घटना के बाद से गहलोत सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। पांच मिनट, एक किलोमीटर की दूरी और दो लड़कियों पर तेजाब से हमला, एक बाइक सवार, दो लड़कियां और दोनों पर एसिड अटैक। राजस्थान में सुरक्षित क्यों नहीं है बेटियां? राजस्थान की राजधानी जयपुर, इस समय यहां कुर्सी पर कब्जे की सियासी जंग चल रही है। एक तरफ पायलट गुट है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कुर्सी की इस खींचतान में अपराधी बेलगाम बेखौफ हो गए। वो राहत चलते महिलाओं को निशाना बना रहे हैं। जयपुर में एसिड अटैक की दो घटनाओं ने महिला सुरक्षा के तमाम दावों की पोल खोल दी है। पहली घटना सदर इलाके में हुई, जहां 19 साल की लड़की कोचिंग के लिए जा रही थी। पीछे से बाइक सवार हमलावर आता है, तेजाब फेंक कर भाग जाता है। जयपुर में जहां सरकार किस्सा कुर्सी के में व्यस्त है, वहीं कल दिन दहाड़े सांगानेर सदर पुलिस स्टेशन एरिया में दो युवतियों के ऊपर केमिकल फेंक दिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतने बिजी एरिया में ऐसा कांड कैसे हो जाता है। एसिड अटैक की दूसरी घटना भी उसी इलाके में हुई। वही हमलावर आगे जाकर एक और लड़की पर तेजाब से हमला करता है और फिर वहां से भाग जाता है। दिन दहाड़े हुए तेजाब कांड में दोनों लड़कियां मामूली रूप से झुलस गई, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद छुट्टी मिल गई। हमलावर कौन था, कहां से आया था, इस बारे में पुलिस को कुछ नहीं पता है। जिन दो लड़कियों पर तेजाब से हमला हुआ, वो एक दूसरे को भी नहीं जानती हैं। दोनों लड़कियां जयपुर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने कष्ट की कि ये एसिड नहीं था, पर वो किस तरह का केमिकल है, उसके लिए हम एफएसएल के संपर्क में और एफएसएल द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई जाने उस बारे में आगे इन्वेस्टिगेशन हो चुका है। मौके पर हमारी थाने की टीम है और हमारी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल और कमिश्नरेट की स्पेशल टीम है, जो मौके पर जो आसपास के जो सीसीटीवी है उनको चेक कर रही है और उस बेस पे जो मुलजिम है उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर। राजधानी जयपुर में दिन दहाड़े हुए इन घटनाओं से कई सवाल खड़े होते हैं। तेजाब की खरीद फरोख पर सख्ती क्यों नहीं है, क्या जयपुर में कोई भी राह चलता व्यक्ति तेजाब खरीद लेता है? घटना के एक दिन बीत जाने के बाद भी हमलावर कहाँ है? ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।